पांच अद्भुत शिवलिंग जिसका आकार प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है। भगवान शंकर की लीला कुछ ऐसी है कि जहां सभी देवी देवता के स्वरूप की उनके मूर्ति के रूप में पूजा होती है, तो वहीं भगवान शिव की उनके लिंग के रूप में पूजा होती है। उनकी मूर्ति बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। शिव जी को निर्विकार, निराकार और ओंकार स्वरूप माना जाता है। यहाँ हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे शिव मंदिरों की जिनके शिवलिंग को अद्भुत और चमत्कारी माना जाता है। भारत में कई ऐसे शिवलिंग हैं जिस पर अपने आप जल की धारा बरसती है, तो कुछ का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इन शिवलिंगों के आकार में बढ़ोतरी को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ इसे विज्ञान कहते हैं। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चर्चा करते हैं। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनका आकार का संबंध प्रलय से माना जाता है। आइए जानते हैं उन अद्भुत चमत्कारी शिवलिंगों के बारे में। पौड़ी वाला शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश में नाहन से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पौड़ी वाला शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर का संबंध रावण से माना जाता है। इस मंदिर को स्वर्ग की दूसरी पौड़ी का नाम भी दिया गया है। माना जाता है कि प्रति वर्ष शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का आकार एक जौ के दाने के बराबर बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग में साक्षात शिव जी वास करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा तिल भांडेश्वर, काशी को शिव की नगरी माना जाता है। काशी में अनेक शिव मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में अचरज भरी कहानियां सुनने को मिलती है। काशी के शिव मंदिरों में से एक मंदिर का नाम बाबा तिल भांडेश्वर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वह स्वयं भू शिवलिंग है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग सतयुग में प्रकट हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कलयुग आने के पहले तक यह शिवलिंग प्रतिदिन आकार में तिल भर बढ़ जाता था, लेकिन जब कलयुग समीप आ गया तो लोगों को यह चिंता होने लगी कि यदि यह शिवलिंग इसी आकार में बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया एक दिन शिवलिंग में समा जाएगी। शिव जी की पूजा करने के बाद उन्होंने प्रकट होकर कहा कि अब से मेरे शिवलिंग का आकार प्रति वर्ष मकर संक्रांति के दिन बढ़ेगा। कहा जाता है कि उसी समय से प्रति वर्ष मकर संक्रांति के दिन इस शिवलिंग के आकार में बढ़ोतरी होती है। मृदेश्वर महादेव मंदिर गुजरात प्रांत के गोधरा शहर में एक मंदिर है, मृदेश्वर महादेव मंदिर। मृदेश्वर महादेव में शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ रहा है। इसे प्रलय का संकेत भी माना जाता है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन इस शिवलिंग का आकार बढ़ते बढ़ते 8.5 फुट का हो जाएगा, उस दिन यह मंदिर की छत को छूलेगा और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन महाप्रलय आ जाएगा। अनुमान लगाया जाता है कि इस शिवलिंग को मंदिर की छत छूने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि इस शिवलिंग का आकार एक वर्ष में एक चावल के दाने के बराबर वृद्धि होती है। मृदेश्वर शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसमें से अपने आप ही जल की धारा निकलती रहती है, जो मानो शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस जल में धारा में गर्मी और सूखे का कोई असर नहीं पड़ता है, धारा अविरल बहती रहती है। खजुराहो का मंदगेश्वर शिवलिंग मंदिर। खजुराहो में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इस शिवलिंग का आकार 18 फुट का है और बताया जाता है कि प्रति वर्ष यह तिल के आकार के बराबर बढ़ रहा है। भूतेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास गरियाबंद जिला है। यह रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिसे लोग भूतेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यह अर्धनारीश्वर शिवलिंग है जिसे भरकुरा महादेव भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग का आकार प्रति वर्ष 1 इंच से 1.25 इंच तक बढ़ जाता है। इन शिवलिंगों के आकार बढ़ने की कहानी सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।